दोस्तों सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये पिटूनिया का पौधा है, जो कि सर्दियों में बहुत ही बेहतरीन और कई रंगों के फूल देने वाले पौधे होते हैं। और दोस्तों जैसे ही गर्मियाँ तेज बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे ये पौधे खत्म होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम ये तरीका जानेंगे किस तरीके से हम पिटूनिया के पौधे को गर्मियों में भी सेव रख सकते हैं, गर्मियों में भी सुरक्षित रख सकते हैं और इनसे कैसे फूल ले सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पौधे की हेल्थ भी सही रखेगा और इसके अलावा इस पौधे पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस पौधे पर हमें एक काम ये करना है, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं जो भी फूल सूख जाएं उनको आप कट जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस पौधे से फूल को कट नहीं करेंगे तो इसका ये जो पौधा है सीड पॉट बनाना शुरू कर देगा। जब सीड पॉट बनाना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे पौधे की जो सारी एनर्जी है सीड पॉट बनाने में लग जाएगी और जो पौधा होता है वो सोचता है कि मेरा जो लाइफ सर्कल है वो पूरा हो गया है। इसलिए दोस्तों सीड पॉट को नहीं बनने देना है, जो पुराने फूल हैं उनको कट करते रहना जरूरी है। दोस्तों पिटूनिया के ये पौधे जहाँ पर सर्दी रहती है, पूरे साल मौसम ठंडा रहता है, वहाँ पूरे साल ये आराम से ग्रोथ करते रहते हैं, फूल देते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर गर्मियाँ तेज हो जाती हैं मार्च अप्रैल के बाद में, तो वहाँ पर ये सिर्फ सीजनल पौधे बनकर रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो दोस्तों हम इनको ऐसी जगह रखें मार्च के बाद में जहाँ पर सुबह की धूप आती हो। मॉर्निंग की धूप के अलावा दोस्तों आपको एक काम ये भी करना है कि आपको फंगीसाइड लेना है, कोई भी साफ फंगीसाइड या फिर वाबिस्टिन, उसको पानी में घोल के आप इसकी रूट्स में डालें, तो इससे दोस्तों जो रूट्स की प्रॉब्लम होती है फंगस की वो ख़त्म हो जाएगी। खासतौर से दोस्तों ये पौधा फंगस की प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो इसलिए फंगिसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है मार्च के बाद में। और दोस्तों सभी पौधों की तरह इस पर भी कुछ बीमारियां अटैक करती हैं, इस पर भी बीमारियों का हमला होता है जिसकी वजह से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आप ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं एडवांस में, जैसे कि आपको 1 लीटर पानी अगर कीटनाशक बनाना है ऑर्गेनिक तो उसमें आपको 1 ml चाहिए नीम ऑयल। इसके अलावा दोस्तों 5 ml आपको गोमूत्र चाहिए और थोड़ा सा आप उसमें लगभग आधा ml के करीब आप लिक्विड हैंड सॉप मिला सकते हैं या फिर कोई भी शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में दिन में एक बार स्प्रे करें, कम से कम 8 दिन के अंतराल पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं पिटूनिया के पौधों के लिए गर्मी के मौसम में कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे पर फ्लावरिंग भी अच्छी हो, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं आपको गुड़ चाहिए, और इसके अलावा चाहिए दोस्तों डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर है जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। इसको अगर आप यूज करते हैं अपने पौधों में, सभी पौधों में, तो आपके पौधे की मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों फ्रेंडली बैक्टीरिया की भी तादाद ज़्यादा हो जाती है जिससे कि पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने लगती है। दोस्तों डीकम्पोजर की जो सबसे अच्छी बात है, आप इसको सभी पौधों में तो यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जिस तरीके से और दूसरे फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हमारे पौधों पर हो जाता है अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों जो हम गुड़ का यूज करेंगे तो उसमें कम से कम 100 ग्राम गुड़ चाहिए होगा। गुड़ के अंदर आयरन, पोटेशियम और भी दूसरे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों गुड़ का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की मिट्टी में फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगती है। तो चलिए दोस्तों अब हम दोनों को यूज करते हैं, किस तरीके से हमें लिक्विड फर्टिलाइजर बना के देना है अपने पौधों के लिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए 1 बाल्टी पानी। 1 बाल्टी पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है और दोस्तों इसमें मैं गुड़ डाल देता हूँ। गुड़ डालने के बाद मैं डीकम्पोजर को डालूंगा। अगर दोस्तों आपके गार्डन का एरिया ज़्यादा है तो आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं, एक डीकम्पोजर की बोतल से काफ़ी सारा डीकम्पोजर बन जाता है। और दोस्तों ये कभी ना खत्म होने वाला फर्टिलाइजर होता है, आप जितना पानी यूज करें इतना ही पानी इसके अंदर डाल दें। इस तरीके से दोस्तों ये फर्टिलाइजर कभी ख़त्म नहीं होता है, काफ़ी समय तक चलता रहता है। तो जो डीकम्पोजर की बोतल है उसको अच्छे से डीकम्पोजर को निकाल लें, क्योंकि डीकम्पोजर बोतल की जो तली होती है वहाँ चिपका होता है। अब दोस्तों हमें एक काम ये करना है कि जो हमारी ये बाल्टी है और इसमें जो हमने गुड़ डीकम्पोजर डाला है, इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा किसी भी टहनी की मदद से इसको हिला दें। हिलाने के बाद में हमें ऐसी जगह इसको रखना होगा जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, छाया रहती हो, और इसको हमें ढककर रखना है। 4 से 5 दिन के बाद ही हम इसको यूज करेंगे। और दोस्तों ये वो फर्टिलाइजर है जो कि मैंने लगभग 20 दिन पहले इसको रेडी किया था और इसका जो पानी का कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब ये डीकम्पोजर बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुका है।
तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं किस तरीके से हमें इसको यूज करना है अपने पौधों में, खासतौर से पिटूनिया के पौधे में। आप चाहें तो आपके जितने भी गार्डन में पौधे हैं सभी में यूज कर सकते हैं। गर्मी के मौसम के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोई भी पौधा हो दोस्तों पिटूनिया का, या फिर कोई भी आपका गार्डन का पौधा हो, पहले आप उसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें, उसके बाद ही यूज करें, खासतौर से सबसे पहले अगर यूज कर रहे हैं तो। तो चलिए दोस्तों पिटूनिया के पौधे में हम यूज कर लेते हैं। पिटूनिया के पौधों को इस तरीके से उठा के आपको पानी देना है। आपको कोई भी पानी, चाहे फर्टिलाइजर का पानी हो या फिर नॉर्मल पानी हो, पत्तों के ऊपर से नहीं देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पिटूनिया के पौधों को गर्मी के मौसम में मरने से बचा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फर्टिलाइजर और ये पिटूनिया की केयर की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।